जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये देखिए एक टूरिस्ट प्लेस है, सुट्रोबाथ नाम का एक आदमी था। सुट्रोबाथ पहले तो ये देखिए, ये रास्ता जो है ना सीधा गोल्डन गेट पे जाता है। ये देखिए पेड़ जंगल है ना, कितने गजब के पेड़ हैं। एक सुट्रोबाथ नाम का आदमी था, उसका यू महल था यहाँ पे, और उनका जो है ना नीचे एक गेट समुद्र में खुलता था। ये देखिए समुद्र चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है, ये देखियो। और उसने सरकार को गिफ्ट कर दिया अपने देश को। ये उसका घर है, ये बाथरूम वगैरह वगैरह सब नीचे ही थे उसके। ये बीच के ऊपर उसका घर था सुट्रोबाथ, ठीक है। और इन्होंने अपना ये सरकार को गिफ्ट कर दिया। एक जंगल है, जंगल में भी उसका घर था। तो ये सारा का सारा इसमें होटल है खाने पीने का। अरे देखिए समुद्र, ये लैंड एंड ये लिखा हुआ सामने, लैंड एंड लुकआउट, यानी कि यहाँ के बाद जो है ना धरती का खत्म, यहाँ धरती खत्म है, इसके बाद ये समुद्र ही समुद्र है हिंदुस्तान तक, भारत तक। लैंड एंड बोलते हैं इसको, वो लिखा हुआ सामने लैंड एंड। अगर आपको दिखाई दे लैंड एंड लिखा कुछ, ये लैंड एंड वो साइड थोड़ा पैदल भी जाके देखूं, ये आपको दिख जाए तो। ये देखो लैंड एंड लिखा, लैंड एंड ये है जी लैंड एंड। लैंड्स एंड धरती कहते ना, धरती खत्म हो गया तो यहाँ होगी धरती खत्म, लैंड्स एंड। तो देखो भाई ये समुद्र और धरती यहाँ खत्म हो जाती है, और ये सुंदर नजारा, ये जंगल, ये जंगल सैन फ्रांसिस्को के बीच में 10,000 किले में जंगल है, ये 10,000 किले में, और ये घर है ही। तो देखो कितना सुंदर नजारा है यहाँ का, तो सोचा ये भी आपको दिखाऊं और लोग देखना हो स्पेशल। ये देखो कितने टूरिस्ट हैं, ये सब यहाँ देखने के लिए आते हैं दोस्तों। और गोल्डन गेट को देखना, इसको समुद्र को देखना, लैंड सेंट, यहाँ धरती जहाँ खत्म होती है, यहाँ धरती का एंड है, वो सब यहाँ खत्म हो जाता है, तो लोग इस चीज को देखने के आते हैं। और जंगल देखो बहुत भारी भरकम जंगल है, और भारी लोगों का आना जाना देखना, ये सारी चीज मतलब अच्छा सुंदर नजारा था ये, तो आपको दिखाने के लिए। जय हिंद जय भारत, ये लैंड एंड दिखाया हुआ आपकी, ये फिर देख लो एक बार, धरती यहाँ खत्म होती है आके, और टूरिस्ट प्लेस, और ये जंगल, और ये जंगल है बीचों बीच, यानी के समुद्र के इस सैन फ्रांसिस्को के चारों तरफ समुद्र है, बीच में ये बसा हुआ है, और सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये जंगल है 10,000 किले, ये है जी। और आपने, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, थोड़ा सा और नजदीक जाऊं के यहाँ जहाँ लैंड एंड लिखा हुआ है, लैंड्स एंड यानी कि धरती का एंड है। ये देखो ये धरती का एंड है, ये देखो धरती, लैंड्स एंड लिखा हुआ ना, लैंड्स एंड लुकआउट, लैंड्स एंड लुकआउट यानी कि धरती का लास्ट, यहाँ धरती का लास्ट है, बस इस तक धरती नहीं है। तो ये है जी गजब की जगह, और ये देखिए समुद्र, और ये देखिए यहाँ का नजारा, ठीक है। लोग आवे हैं, देखे हैं, और अपना चले जाते हैं जी। ये है धरती का एंड का नजारा, ये घर है, और ये घर भाई गोल्डन गेट के नजदीक या इस बीच के नजदीक है, तो करोड़ों करोड़ों के हैं, यानी के कम से कम अगर 10 करोड़ का कोई टू रूम सेट है, उसका किराया किराया कम से कम भी 6 लाख रुपये है महीने का, तो काफी महंगा एरिया है ये। और सैन फ्रांसिस्को में लगभग सारा ये है, 32 करोड़ रुपया का टू रूम सेट भी है, और 10 करोड़ तक नीचे तो है ही नहीं, 6 करोड़ रुपया का वन रूम सेट है। तो ये वो सैन फ्रांसिस्को है, और वह यह धरती है। तो महंगे लोग, महंगे शौक और महंगा काम, तो निकलो भाई देशवासियों, आप भी निकलो, बाहर निकलोगे देखोगे थोड़ी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अपना घर परिवार ने ऊंचा ठाओगे, अपने देश ने ऊंचा ठाओगे, अपने माँ बाप की खुशी बनोगे। जय हिंद जय भारत, जय जवान
जय किसान। ये देखिए हमारा छोटा भाई और मेरी मिसिज है, ये खड़े हैं, देखने लग रहे हैं बैठे बैठे। ये भी कल इनकी फ्लाइट है, चली जाओगी, 6 महीने रुक के गई है, फिर मैं भी आया जल्दी आप लोगों के बीच में। आप भी निकलो भाई और कोशिश करो अमेरिका आने की, विदेशों में जाने की, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये फिर दिखाती हूँ, ये लैंड है एंड है धरती, लैंड्स एंड लुकआउट, ठीक है। ये है धरती जहाँ खत्म होती है वो एरिया। धन्यवाद, जय हिंद।